दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे जेट फ्लाइंग बोर्ड, जेट विंग जेट पैक्स और जेट पैक सूट के बारे में। जैसे तीनों जेट पैक्स अलग अलग दिखते हैं, सेम वैसे ही हर एक जेट पैक्स के साथ उड़ने का एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग होता है। सन 2000 से पहले इन चीजों को केवल साइंस फिक्शन फिल्मों में ही देखा जाता था। उस टाइम ये केवल एक इमेजिनेशन थी कि ऐसी जेट पैक्स भी बनाए जा सकते हैं। पर दोस्तों आज दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि किसी इमेजिनेशन को हकीकत में बदलते देर नहीं लगती, और इसलिए जेट पैक्स 2020 में पूरी तरह से पॉसिबल कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं तीनों जेट पैक्स के बारे में। नंबर एक, जेट फ्लाइंग बोर्ड। दोस्तों वैसे इस जेट पैक्स का नाम है फ्लाई बोर्ड एयर, जो एक प्रकार का होवर बोर्ड है जिसमें लगे हैं 5 छोटे जेट इंजन्स, जिनको मॉडल गैस टर्बाइन्स भी कहा जाता है। ये होवर बोर्ड बनाया है फ्रेंच वाटर क्राफ्ट राइडर फ्रंकी जपाटा ने, जो फाउंडर है जपाटा रेसिंग के। फ्लाईबोर्ड एयर 102 केजी वजन उठा सकता है और इसमें फ्यूल के लिए यूज किया जाता है केरोसिन का। अगर दोस्तों बात करें कि ये फ्लाईबोर्ड एयर कितनी दूर तक उड़ सकता है, तो ये एक बार में अपने पूरे फ्यूल के साथ 3000 मीटर के एल्टीट्यूड पर 150 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर उड़ सकता है। इसमें फ्यूल कैपेसिटी 10 मिनट की ही होती है, यानी केवल 10 से 15 मिनट के लिए उड़ सकता है। फ्लाईबोर्ड एयर की टॉप स्पीड, हाई एल्टीट्यूड और इसके अमेजिंग डिजाइन के कारण इसका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। दोस्तों ये जेट पैक्स हमारे लिए एक अच्छा कॉन्सेप्ट है पर्सनल फ्लाइंग मोटरसाइकिल और फ्लाइंग कार को बनाने के लिए। फ्लाईबोर्ड एयर के यूनिक कॉन्सेप्ट के कारण ही फ्रांस की मिलिट्री ने इनको 1.3 मिलियन यूरो दिए। पर इन्होंने बताया कि ये जेटपैक्स पावर्ड होवरबोर्ड अभी फ्रांस की मिलिट्री के लिए परफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें लगे 5 जेट इंजन से बहुत ही ज्यादा शोर होता है। ये नॉइस सेम वैसे ही है जैसे फाइटर जेट प्लेन की नॉइस होती है। साथ में ही फ्लाईबोर्ड एयर को कंट्रोल करना अभी थोड़ा मुश्किल है, पर आने वाले अगले 4 से 5 सालों में ही ये होवरबोर्ड हमें फ्रांस की मिलिट्री के पास देखने को मिलेंगे, जो दुनिया की पहली ऐसी मिलिट्री होगी जिनके पास खुद के जेट पैक्स होंगे। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा हो अगर ये फ्लाईबोर्ड एयर हमारी इंडियन आर्मी के पास भी हो। सेकेंड, जेट विंग जेट पैक्स। दोस्तों जैसे ही आप गूगल पर जेटमैन सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है इवस रोसी का विकिपीडिया, जो दुनिया में जाने जाते हैं द एयरमैन, रॉकेट मैन, फ्यूजन मैन और सबसे ज्यादा जेटमैन के नाम से। इवस रोसी दुनिया के ऐसे पहले शख्स है जिसने 4 जेट इंजन पावर्ड विंग सूट के साथ 2000 फीट से भी ज्यादा की ऊंचाई पर उड़े। इवस रोसी स्विस मिलिट्री के एक ट्रेंड पायलट है और हवा में पक्षियों की तरह उड़ना इनका एक पैशन है। इसलिए 2006 में इन्होंने अपना विंग सूट डिजाइन किया जिसमें लगे थे 4 गैस टर्बाइन इंजन्स, और इस विंग सूट के साथ रोसी हॉरिजॉन्टली फ्लाई कर सकते थे एक पक्षी की जैसे। दोस्तों अगर बात करें इस जेट पैक से बने विंग सूट की, तो ये विंग सूट बनाया गया है कार्बन फाइबर से, जिसकी चौड़ाई है 7.9 फीट और इसमें लगे हैं जेट कैट कंपनी के P400 जेट इंजन्स। सेम इन्हीं इंजन्स का यूज पहले वाले फ्लाईबोर्ड एयर में भी किया गया है जिनमें केरोसिन फ्यूल का यूज होता है। ये विंग सूट पहले वाले फ्लाईबोर्ड से काफी तेज उड़ सकता है क्योंकि इसमें लगे हैं विंग्स जो इसको एक्स्ट्रा लिफ्ट देते हैं। इनकी मदद से इवस रोसी 200 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड पर उड़ सकते हैं, और इनका फ्लाई टाइम भी 10 से 15 मिनट के बीच में ही रहता है। पहले विंग सूट के साथ उड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर या फिर एक प्लेन से जंप करना पड़ता था, और जंप करने के बाद इंजन स्टार्ट किए जाते थे। अभी इन्होंने विंग सूट में एक नया इम्प्रूवमेंट किया है जिसका यूज करके इवस रोसी जमीन से ही वर्टिकल टेक ऑफ कर सकते हैं। अभी तक इवस रोसी दुबई में बहुत सारे जंप कर चुके हैं, और दुबई 2015 में इवस रोसी और विनस रेफर्ट एयरबस A380 के साथ उड़ते हुए नजर आए लगभग 4000 फीट के एल्टीट्यूड पर। नंबर 3, जेटपैक सूट। दोस्तों ये जेटपैक सूट बनाया है रिचर्ड ब्राउनिंग ने, जो फाउंडर है ग्रेविटी इंडस्ट्रीज के। इनकी एक कंपनी जेटपैक सूट बनाती है और उनको सेल करती है। इनकी एक जेटपैक सूट की कीमत है लगभग 3 करोड़ रुपए। ग्रेविटी के जेटपैक सूट में 5 छोटे जेट इंजन्स का यूज होता है और जेट सूट का टोटल वजन 27 केजी है। इनके जेट पैक्स में जेट A1 फ्यूल का यूज होता है। रिचर्ड ब्राउनिंग दुनिया में रियल लाइफ आयरन मैन के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इनके जेट पैक सूट का डिजाइन बिल्कुल आयरन मैन के सूट जैसा है। अगर दोस्तों बात करें स्पीड की, तो ग्रेविटी जेट पैक्स की टॉप स्पीड 137 किलोमीटर पर आवर है। इस स्पीड के साथ रिचर्ड ब्राउनिंग ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। ग्रेविटी जेट सूट का यूज हॉलीवुड फिल्मों में भी किया जा चुका है, और इसको मिलिट्री एंड रेस्क्यू सर्विसेज में भी यूज किया जा
सकता है। दोस्तों, एक पर्सनल जेट सूट की एप्लीकेशन बहुत सारी होती है। इसको बहुत सारे अलग अलग कामों के लिए यूज किया जा सकता है। दुनिया में ये तीनों जेट पैक्स बहुत ही कमाल के हैं। इन तीनों की स्ट्रक्चर और डिजाइन बिल्कुल एक दूसरे से अलग है और आने वाले अगले 10 से 15 सालों में ये चीजें बिल्कुल नॉर्मल होगी। फ्यूचर में ये इतने सस्ते होंगे कि हर कोई इनको खरीद सकेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।